Good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित कुमार अवस्थी लेकर के साल भर के वो समाचार जो कि इस बार पूरी समय सुर्खियों में रहे। जैसा मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं वर्ष 2019 की उन घटनाओं को आप तक ले जाने का प्रयास करूंगा जिन्होंने हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, यानी कि आज हमारी सुबह की ये जो क्लास है, इस सुबह की क्लास में कुछ भी करंट का नहीं है, यानी कि कल रात का कुछ भी नहीं है। मैं केवल आपको 2019 की फ्लैशबैक देके जा रहा हूं। फ्लैशबैक में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वर्ष 2019 हमें अपनी यादें दे करके गया है और 2020 के साथ हम कौन सी यादें संजो के रखने वाले हैं। तो इन यादों को ही हम अपने ही इस क्रम में, अपनी ही अंदाज में वर्ष 2019 को अपनी तरफ से अलविदा देने आ चुके हैं। तो वर्ष 2019 को अपनी तरफ से शानदार विदाई के आगाज में वो सुर्खियां जिन्होंने हमें आज या फिर ये कहें अब तक पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, और आने वाले वर्ष 2020 में जिनसे संबंधित कुछ ना कुछ बातें चर्चा में अवश्य रहेंगी, उस प्रकार की कुछ खबरों को चलिए सिलसिलेवार क्रम से देखते हैं। साथियों, संभव तो नहीं है कि मैं इतने कम समय में आपके सामने सारी खबरें ले जाऊं, लेकिन फिर भी अधिकतम प्रयास करूंगा एक बार आपको आपके सामने, आपकी आंखों के सामने से वर्ष 2019 की सुर्खियों को गुजारने का। जो भी मेरे साथी अभी तक मुझसे अनअकैडमी प्लस पर CGL, CHSL या फिर SSC के एग्जाम्स के लिए नहीं जुड़े हैं, उनसे फिर मेरा कहना है कि जल्दी से जाकर के उस मौके को मत छोड़िए जिसमें मैं बड़ी ही डिटेल से थ्योरी के साथ विद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, थ्योरी को बहुत अच्छे से पिक्चरों की सहायता से समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1000 से अधिक ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम में शायद यों की यों ही पूछ लिए जाएं, उन तमाम चीजों के साथ मेरा SSC का बैच शुरू हो चुका है। तो जल्दी से गो एंड गेट दिस सब्सक्रिप्शन विद माई रेफरल कोड अंकित10। साथियों, इसके अतिरिक्त मेरे बैंकिंग के साथी जो भी बैंक के लिए तैयारी करना चाहते हैं, और कल मैंने आप लोगों के लिए एक प्रमोशनल इवेंट रखा है सुबह के टाइम पर 7 से 8, अगर आपको सुबह समय मिले तो मेरे रेलवे NTPC वाले साथियों से अवश्य देखें। वो प्रमोशनल इवेंट केवल इस बात की है, ये सुर्खियों में मैं सूचना दूंगा कल आपको कि रेलवे NTPC वालों के लिए मेरे कोर्सेज कब से लाइव हो रहे हैं। तो चलिए साथियों, इसी प्रकार से अपने आज के इस दिन का शुभारंभ करते हैं। इन शुभारंभ की घड़ियों में मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपना 2031 जो हमारा 2019 31 दिसंबर को जो यादें देके जा रहा है, इन यादों को बड़ी ही संजीदा तरीके से अपने पास रखिएगा। और आज के लिए मेरे पास मोटिवेशनल कोटेशन में केवल इतना ही कहना है कि जो घटनाएं आज हमारे लिए इतिहास बन गई हैं या 2019 में हमारे लिए इतिहास बन गई हैं, उनसे ही हम 2020 की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे। दशा और दिशा हम निर्धारित करेंगे 2019 के अनुभवों से। आपने क्या सीखा 2019 में, 2020 में उन्हें अप्लाई करिएगा। यदि आपने अपनी नित्य दिनचर्या में सुबह जगना शुरू किया है तो 2020 में इस नीति को जारी रखिएगा। अगर 2019 में आप अपनी किसी आदत की वजह से परेशान रहे हैं तो 2020 में इसे छोड़ दीजिएगा। साथियों, आपको 2019 ने जो भी अच्छे, कड़वे, बुरे, प्यारे जो भी अनुभव दिए हैं, उन्हें अपने साथ कंस्ट्रक्टिव तरीके से उपयोग करिएगा और कल एक नई सुबह का आगाज करिएगा। आज का दिन आप लोगों को अपने साल भर की कुछ बातों को मेमोराइज करने का है, तो मैं आपके दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं दूंगा, केवल यही बताऊंगा, देखिए समय निकलता चला गया और सुर्खियां बनती चली गई। इसी प्रकार से आप अपना भी आज फ्लैशबैक देखिएगा, मैं भी अपना आज फ्लैशबैक देखूंगा और ये विचार करूंगा कि मैंने इस 2019 में अपने आप के लिए क्या पाया। मैं ये देखूंगा कि मैं
मैं 2019 में मेरे लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स आए, कहां मेरा फेलियर आया, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, इसी क्रम में आप भी अवश्य अपने 2019 को इसी प्रकार से एनालाइज करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आज पढ़ना लिखना एक पल के लिए छोड़ करके बैठिए और विचार करिए कि आपने क्या खोया और क्या पाया, और जो खोया और पाया का अंतिम बैलेंस निकल के आए उससे 2020 की दिशा लिखिएगा। तो उम्मीद है आप अवश्य रूप से अपने लिए सार्थक शब्दों का चुनाव करेंगे, सार्थक लक्ष्यों का चुनाव करेंगे, और आपके गुरु के रूप में, आपके बड़े भाई के रूप में, आपके एक हित चाहने वाले हितधारक के रूप में मैं आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं 2020 की पहले से ही प्रेषित कर देता हूं। और चलिए अब एक एक करके आपके सामने सिलसिलेवार जितना संभव है आज की क्लास में अधिकतम घटनाओं को लेने का प्रयास करता हूं। चलिए साथियों, आज की पहली खबर, मैं साइड में रहूंगा और साइड में खड़े होकर के, क्योंकि बोर्ड पर से ही मुझे बोलना है, तो आप सुनते जाइए और पढ़ते जाइए, कुछ नहीं लिखना है, केवल सुनते चलना है। साथियों, पहली खबर हम लोग लेकर के आए हैं आपके सामने पॉलिटी और गवर्नेंस से, जनवरी से लेकर के 2019 तक। साथियों, जनवरी से दिसंबर 2019 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई सरकार ने क्या क्या हमें पढ़ने लायक अवसर दिए, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो इन दिनों सुर्खियों में रहा, चलिए इसे ही बता देता हूं क्योंकि भविष्य में यही सब चीजें पढ़ी जाएंगी। साथियों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पारित किया गया, जो कि बिल एक्ट बना 2019, जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को रिवाइंड किया गया है, अमेंड किया गया है। साथियों, इसको लैंडमार्क डिसीजन माना भारत के प्रधानमंत्री ने, और इसके की फीचर्स में शामिल किया गया कि वो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध और पारसी जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं, दिसंबर 31, 2014 से पहले उन्हें भारत का नागरिक बनाने के प्रोविजन किए गए हैं। साथियों, यहां पर और भी जो तथ्य रहे, उन सब तथ्यों में आपको मैंने बहुत सारी बातें ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, तो मैं विस्तार से इसमें नहीं जाऊंगा, आप उन्हें एक बार देखते रहिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बना साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन ने 103वां अमेंडमेंट एक्ट 2019 पारित किया, जिसमें कि 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी को। इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन देना अपने आप में EWS, जिसे आप कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिया गया। इसमें साथियों, फैमिली की इनकम जो क्राइटेरिया रखे गए थे वो तमाम क्राइटेरिया थे, जैसे फैमिली की इनकम शुड बी बिलो 8 लाख पर एनम। स्टेट राजस्थान ने केवल एक यही माना, बाकी सारे क्राइटेरिया हटा दिए। तो इस प्रकार से हमको एक नया सुधार मिला, और इस सुधार में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन आया। ठीक इसी प्रकार से साथियों, आप लोगों को यह भी पता चला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 के अंदर संशोधन किए, अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किए। साथियों, इसी प्रकार भारत ने अपने इतिहास में संसद का, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा का 250वां सेशन देखने का गर्व प्राप्त किया है। साथियों, 250वां सेशन इसी सत्र में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, यानी कि सत्र देखा गया 250वां, जो कि अपने आप में इस साल इतिहास बना। साथियों, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल नियुक्त किया गया भारत का, तो ये अपने आप में फिर से एक खबर बनी जो कि विश्व समुदाय को अपनी तरफ आने वाले समय में आकर्षित करती रहेगी, क्योंकि भारत लोकपाल की राह चल चुका है। और जब भारत लोकपाल की राह चल चुका है, तो चलिए इन बातों को भी हम याद कर लें, क्योंकि भारत ने बहुप्रतीक्षित लोकपाल को अपने साथ जोड़ा है। साथियों, पिनाकी चंद्र घोष भारत के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। पूरा क्रम कि कब 1963 के अंदर आइडिया ऑफ ओम्स बुडमैन आया था, 1966 के अंदर पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया, 1968 में पहली बार लोकपाल बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन हेडेड बाय M.N. वेंकटलाचाली रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त, 2005 में सेकंड ARC ने भी लोकपाल की नियुक्ति की बात की, 2013 में लोकपाल एक्ट 2013 पार्लियामेंट ने पास किया, 2016 में लोकसभा एग्रीड टू अमेंड 2013 एक्ट। इस प्रकार तमाम चीजों के चलते हुए वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को क्लेरिफाई किया दैट लोकपाल अपॉइंटमेंट प्रोसेस नीड नॉट बी स्टेल्ड मेयरली ड्यू टू द एबसेंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि आपको मालूम
होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन की अनुपस्थिति में इनका नियुक्ति नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संभव है और इसके चलते 19 मार्च 2019 को लोकपाल की नियुक्ति की गई, जिसका हेडक्वार्टर रखा गया न्यू दिल्ली। साथियों, इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं, वर्ष 2019 ने एनपीपी को फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू गेट नेशनल पार्टी स्टेटस देखा। नेशनल पीपल्स पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, यह भारत ने देखा। साथियों, वर्तमान में पार्टियों की संख्या बढ़कर के 8 हो गई है, जो कि इस साल में देखी गई। साथियों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि नेशनल पीपल्स पार्टी लेड बाई मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा एज ए नेशनल पार्टी, और साथियों यह मेघालय की पार्टी है जिसे कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। अतिरिक्त रूप से आप जानना चाहें तो वर्तमान में आपके सामने 8 नेशनल पार्टियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं। उन 8 नेशनल पार्टियों में आपके सामने है बहुजन समाज पार्टी, और उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो इन प्रकार से हमारे भारत में वर्तमान में 8 पार्टियां कार्यरत हैं और इन सब के सिंबल आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सिंबल्स के साथ आपको याद रखना है कि भारत में वर्तमान में 8 नेशनल पार्टी वर्क कर रही हैं। साथियों, इसी क्रम में आर्टिकल 2370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर को ट्रांसफॉर्म किया गया 2 UT में, यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जिनमें से एक का नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का नाम रखा गया लद्दाख। आप इसी क्रम में ये बात भी जानेंगे कि आर्टिकल 370 को हटाना अपने आप में इस साल की बनने वाली प्रमुख खबरों में से एक खबर निकल के आई थी। साथियों, इस क्रम में आप लोगों को दो बातें और यहां दिखाई देती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहां पर बने अक्टूबर 31 को, और यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनाए गए वो गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए जम्मू कश्मीर के, और राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए लद्दाख के। इसी क्रम में साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां पर जजों की संख्या को बढ़ा करके 34 कर दिया है। 34 सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं, इसकी संख्या बढ़ा करके 34 कर दी गई वर्ष 2019 में। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019 पास हुआ। यह बिल लोकसभा में 5 अगस्त को पारित हुआ, जो कि प्रकट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और लोकसभा में अगस्त 5 को ही यह पास हुआ, और राज्यसभा में अगस्त 7, 2019 को पारित हुआ, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की नियुक्ति संभव हो पाई है। इसी प्रकार से आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और जो खबर बहुत ज्यादा चर्चा में बनी, और वो ये है कि भारत ने अपना एक बहुत मोस्ट अवेटेड केस इन दिनों देखा, और उसके अंदर केस था अयोध्या वर्डिक्ट का। अयोध्या वर्डिक्ट हमने देखा, और उस अयोध्या वर्डिक्ट के साथ साथ भारत ने अपने नए चीफ जस्टिस, जो कि 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को पाया। साथियों, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें चीफ जस्टिस हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या लैंड डिस्प्यूट के ऊपर अपनी तरफ से लैंडमार्क डिसीजन दिया, जिसको कि कहा जा रहा है कि यह वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लीगल बैटल कम टू एन एंड। और साथियों, इसके डिसीजन में कहा गया कि एंटायर 2.2 मतलब जितनी भी कुल मिलाकर के 2.77 एकड़ की डिस्प्यूटेड लैंड थी, वो हिंदुओं को दे दी गई। रामलला विराजमान को एक ज्यूरिडिक्शन पर्सन माना गया, और इसकी एवज में 5 एकड़ जमीन अयोध्या के लिए, अयोध्या में मुस्लिमों को दे दी गई। यह 5 जज बेंच थी जो कि अयोध्या केस के अंदर अपना डिसीजन सुनाई। इसके अंदर 5 जजों में जस्टिस रंजन गोगोई, जो कि 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस एस बोबड़े, जो कि आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर, इन सब ने मिलकर के अयोध्या वर्डिक्ट दिया, और इस वर्डिक्ट के जो पॉइंट्स हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। साथियों, इसी क्रम में आप लोगों के सामने जो नेक्स्ट खबर बनी, वो नेक्स्ट खबर बनी थी सुप्रीम कोर्ट ब्रिंग सीजेआई ऑफिस अंडर एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस भी अब आरटीआई के अंदर आ जाएगा, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के अधीन आ जाएगा। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी सुर्खी बनी, क्योंकि साथियों अब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं आया करता था, अब यह राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में आ जाएगा, जो कि वर्ष 2019 में नोट की गई प्रमुख
प्रमुख खबरों में से एक खबर है। इसी क्रम में साथियों, जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ते हैं, साथियों देखो एक बात तो तय है कि जब मैं रोजाना के हिसाब से आपको 10 से 15 खबरें पढ़ाता हूं तो स्वाभाविक है कि इतनी सारी खबरों को एक दिन में कवर कराना संभव नहीं। लेकिन मेरा अधिकतम प्रयास आप लोगों तक वो खबरें पहुंचाने का है जिनकी वजह से आप लोगों को 2019 ऐसा लगे कि ये तो कल किसी ही बात है, हमने तो कल ही सुना था। तो मैंने केवल उन 40-50 खबरों का संकलन किया है, मुश्किल से 20-25 मिनट का एक सेशन रखा है ताकि 2019 की बातें आप लोगों को देके चला जाऊं। चिंता ना करें, 31 और 1 के बीच में, क्योंकि मेरी पूरी टीम इस समय अवकाश पर है, मेरी सारी टीम आप लोगों के सामने जो कंटेंट बना करके लेके आती है वो इस समय अवकाश पर है। तो ऐसी स्थिति में मैंने इस तरह से प्लानिंग की है आपकी क्लास ताकि मैं आप लोगों को वाइन में ले जाऊं। और चिंता मत करिए, 31 और 1 का जो भी करंट की घटना घटित होगी, इवन 30 31 1 की जो भी घटना घटित होगी, इसके लिए मैं एडिशनल सेशन भी लेकर के मुझे अगर आना पड़ा, घटनाएं अगर ज्यादा हुई और सेशन लेके आना पड़ा, तो 2 तारीख से आपके लिए रेगुलर वो सेशन उपलब्ध होंगे। तो मेरी तरफ से मेरे विद्यार्थियों के लिए एक यादगार पल, जो कि जाते हुए बीते हुए लम्हे जिस प्रकार से दिखाए जाते हैं, उन्हीं बीते हुए लम्हों के क्रम में मैं आपके सामने कुछ खबर साझा करते जा रहा हूं। आपको यदि यह खबर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आपकी न्यू ईयर विशेष जितनी भी मुझे प्राप्त हो रही हैं, इन सभी विशेष को मेरी तरफ से एज इट इज रेसिप्रोकेट मानिए और मानिए कि ईश्वर आपको मेरी तरफ से, मेरे मुख से जो भी बातें निकलें वो आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में लगें। और सब आप लोग जितनी भी कठिन तपस्या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कर रहे हैं, ये तपस्या पूर्ण हो और ईश्वर आपको मनोवांछित फल दे, ये मेरी कामना है। तो साथियों चलें, अब हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखते हैं कि भारत ने क्या पाया। साथियों, चाइना ने अपनी तरफ से E4 मिशन को हिस्टोरिकल लैंडिंग मिशन बनाया, क्योंकि उसने, चाइना ने अपना E4 मिशन, जिसे कि चाइनाज चांग्स ई मिशन कहा गया, वो मून के उस साइड पर उतरा जहां पर उतरना बहुत मुश्किल माना जाता था। द लैंडर रोवर कॉम्बो टच डाउन वेयर नो ह्यूमन और रोबोट हैज वेंचर्ड बिफोर। तो चाइना ने वो कर दिखाया। January 3, 2019 में ही चाइना ने चंद्रमा की उस सतह पर लैंडिंग करी जो कि सबसे दूर वाला हिस्सा माना जाता है। इसी क्रम में साथियों, भारत अपनी तरफ से गगनयान मिशन लॉन्च करेगा इस वर्ष में, और इस गगनयान मिशन में जो लोग जाएंगे उन्हें क्या कहा जाएगा। तो देखिए, भारत की तरफ से जो गगनयान मिशन है उसके बारे में भी, जो भविष्य में होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ जान लीजिएगा। भारत की तरफ से मानव युक्त मिशन भेजा जाएगा, द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान इज टारगेटेड 4 दिसंबर 2021। 16 मिनट अंतरिक्ष में पहुंचेंगे और भारत के लोग जो वहां जाएंगे उन्हें व्योम नॉट्स कहा जाएगा। और साथियों, यहां व्योम का मतलब अंतरिक्ष होता है। 16 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंचेगा गगनयान, जिसे GSLV MK3 अपने साथ अंतरिक्ष यात्रा पर लेकर के जाएगा। 5 से 7 दिन पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे व्योमनॉट्स, और इसके बाद 36 मिनट में गगनयान पृथ्वी पर पुनः उन्हें लेकर के लौटेगा। ये सारी बातें भविष्य में देखने को मिलने वाली हैं। साथियों, 2020 में इसके काफी ट्रायल्स चलने वाले हैं, जिन ट्रायल को भी हम अवश्य रूप से देखेंगे। आप जिस प्रकार से वर्तमान में फोटो देख रहे हैं, इस फोटो को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीहरिकोटा से हमारा यहां से गगनयान लॉन्च होगा और इसी प्रकार से अरेबियन सी गुजरात में आकर के ये लैंड होगा। इस पूरे क्रम में किस प्रकार से चीजें होंगी भविष्य में देखी जाएंगी। साथियों, भारत ने अपनी तरफ से चंद्रयान 2 मिशन भी देखा। चंद्रयान 2, जो कि पूरे भारत का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता रहा, भारत को बहुत सारी उपलब्धियां अपने साथ जोड़ता रहा, तो चंद्रयान 2 ने भी हमें बहुत सारी यादें दी हैं। साथियों, चंद्रयान 2 मिशन जो कि 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, और इस पूरे प्रोग्राम को जो हेड करने वाले थे, यानी कि इस समय पे डॉक्टर के सिवन जो हैं वो इस समय इसरो के चेयरमैन थे। तो साथियों, आप लोगों को मिशन के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए वो ये है कि चंद्रयान मिशन अनाउंस तो 2008 में ही हो गया था, और हम इस मिशन के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चाहते थे, और उनके जो पेलोड्स हम लेके गए थे, उन पेलोड्स में हमारे पास ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर हुआ करते थे। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के अंदर आपको वो मालूम होना चाहिए कि ऑर्बिटर वर्तमान में भी चंद्रयान 2 के माध्यम से जो गया हुआ ऑर्बिटर है, वो अभी भी चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है।
और इसके अतिरिक्त लैंडर और रोवर लैंडिंग के समय लैंडिंग फेल होने की वजह से हमें उतारने में सक्षम नहीं हुआ और हमारा जो साउथ पोल पर जाने वाला मिशन था वो नाकामयाब रहा। साथियों, इसका जो पूरा क्रम है, जिस क्रम में क्रोनोलॉजी में हमने ये पूरी बातें सुनी, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। साथियों, 15 जुलाई 2019 को हमने लॉन्चिंग का समय रखा था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह लॉन्चिंग 22 जुलाई 2019 को हो पाई और 22 जुलाई 2019 को यह लॉन्चिंग सफल हुई। और इस लॉन्चिंग के फलस्वरूप हमने जो कार्य देखा, उस कार्य को आप सबने पूरी दुनिया के सामने गवाह बने। हमने बहुत सारे सवाल इस पर किए, बहुत सारी चीजें हमने इसके अतिरिक्त रूप से पढ़ी हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त 2019 ने और क्या देखा? साथियों, इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किए वर्ष 2019 में। इन सैटेलाइट्स में जो खास खास सैटेलाइट्स थे वो मैं आपको आपके सामने बता रहा हूं। हमने राइसेट सैटेलाइट 2 भी लॉन्च किया, जो कि रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जिसे डेवलप इसरो ने किया है। ठीक इसी प्रकार से साथियों, अगर आप देखते हैं तो इसरो ने C-47 की अपनी लॉन्चिंग कंप्लीट की, जिसके थ्रू कार्टोसैट 3, जिसमें 13 फॉरेनर सैटेलाइट्स भी भेजे गए थे, PSLV C-47 प्लेस्ड कंट्री कार्टोसैट वेटिंग 1625 kg इन 509 किलोमीटर पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। साथियों, आप लोगों को यहां पर कार्टोसैट 3 इंडिया की अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ष 2019 में ही हमने PSLV की 50वीं उड़ान देखी। PSLV C-48 जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें राइसेट 2BR1 लॉन्च किया गया और 9 विदेशी सैटेलाइट छोड़े गए। तो इस प्रकार से साथियों, इसरो के इतिहास में PSLV की सक्सेस यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। साथियों, इसके अतिरिक्त जो सूचनाएं रही उसमें DRDO भी पीछे नहीं रहा। DRDO ने एक माइक्रोसैट आर जो सैटेलाइट था, जिसको कि डेमोंस्ट्रेशन के नाम पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल से हम लोगों ने मार गिराया। भारत ने अपने ऑपरेशन शक्ति के दौरान, शक्ति मिसाइल परीक्षण के दौरान, एंटी सैटेलाइट मिशन, जिसके थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहे एक सैटेलाइट को भारत के DRDO ने अपनी मिसाइल के माध्यम से मार गिराया, जिसके चलते जो यहां पर रेड्डी इसके चेयरमैन DRDO के हैं, इन्हें वर्ल्ड के अंदर रिकॉग्निशन मिला। ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। भारत की इसी प्रकार के प्रयास के चलते इन दिनों मैंने आप लोगों को एक चीज और पढ़ाई थी कि अमेरिका ने कहा है कि वो अपनी तरफ से एक ऐसी सेना विकसित करेगा जो सैटेलाइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तो इस प्रकार से हमने DRDO का भी मिशन शक्ति बहुत आसानी से देखा। साथियों, अब इसके अतिरिक्त जो खबर बनी है, साथियों ये सेशन मेरा बहुत लिमिटेड है, मैंने केवल कवर किया है जितना कम समय में संभव था उन खबरों को जो आप लोगों को साल भर मोटिवेट रख सकती हैं, यानी कि आपको देख याद दिलाएंगी कि कौन कौन सी बातें आप लोगों ने साल भर में देखी। इसी क्रम में साथियों, एनवायरमेंट के अंदर जो मैं खबरें ले पाया हूं वो मैं आपको दिखा दूं। साथियों, हमने हाल ही में इंडिया ने चौथी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम COP कहते हैं, COP 14 को हमने होस्ट किया। और COP 14 किसके ऊपर थी? कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि UNCCD COP 14 हमने इसको होस्ट किया है। याद रखिएगा साथियों, ये COP 14 को होस्ट करके भारत ने अपना नाम मरुस्थलीकरण से लड़ने वाले देशों की सूची में अग्रणी कर लिया है। भारत के अंदर दिल्ली NCR में ही यह आयोजित किया गया था। इसी क्रम में साथियों, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 25 मैड्रिड स्पेन में कंप्लीट हुई। याद करिए, मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बहुत सारी बातें डिटेल में बताई हैं। वर्तमान में केवल इतना ही याद करिएगा कि COP 25 जो है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है, वो COP 25 हाल ही में मैड्रिड में कंप्लीट हुई है। इसी क्रम में साथियों, सरकारी योजनाएं जो हाल ही में योजनाएं लॉन्च हुई हैं, मैं वो बता दूं, होने को तो बहुत सारी योजनाएं साल भर में लॉन्च होती हैं, प्रोग्रेस होती है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे हाल ही में साथियों जो एकदम ताजा बात है जो आपको दिखाई दे रही है, वो है अटल भूजल योजना, जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। ये यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च की है, जिसके अंदर 6,000 करोड़ रुपए आने वाले 5 साल तक इन्वेस्ट किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 8,350 गांव और 78 जिले के 8,350 गांव, इसके अंदर भूजल स्तर बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। बेसिकली यहां पर वाटर की क्वालिटी बढ़ाना और किसानों की मदद करना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया है। साथियों, इस योजना के अंदर
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका को बेनिफिट देने की बात की गई है। और साथियों, असल में इसके माध्यम से ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और लोगों के पुनर्वास की सुविधाएं संपन्न हो, इसका भी पूर्ण ख्याल रखा गया है। याद करिए साथियों, मैंने इसी के साथ आपको बताया था कि 25 दिसंबर को लॉन्च हुई यह अटल भूजल योजना, इसी के साथ साथ अटल बिहारी जी के नाम पर रोहतांग दर्रे का नाम, यानी रोहतांग दर्रे में बन रही सुरंग का नाम, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग होने वाली है, उसका नाम भी अटल सुरंग के नाम पर रख दिया गया है। इसी क्रम में आप लोगों ने और भी बहुत सारी बातें सीखी। आपको पता चला कि लखनऊ को 25 दिसंबर के दिन, यानी क्रिसमस वाले दिन, जिसे कि सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको उस दिन यह पता चला कि लखनऊ में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई अटल बिहारी जी के नाम पर। इसके अतिरिक्त आपको अटल बिहारी जी के नाम पर यह भी पता चला कि उनके स्टैचू का भी इनॉग्रेशन किया गया लखनऊ के अंदर। साथियों, सुशासन दिवस के आधार पर ही हमने सुशासन रैंकिंग जारी की और उस सुशासन रैंकिंग में हमने अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग रैंकिंग दी, जिसमें हमने पता किया कि तमिलनाडु ने बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप किया, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया, और अगर हम यूटी की बात करें तो वहां पर यूटी के सेक्टर में पांडिचेरी ने टॉप किया। तो ये सुशासन स्कीम, इस तरह से सुशासन दिवस, ये सब 25 दिसंबर से जुड़ी हुई बातें हैं जो मुझे हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, तो उससे मैंने सोचा कि आप लोगों को याद करा दूं। साथियों, आपको एक अतिरिक्त बात यहां पर याद दिला दूं कि भारत ने हाल ही में अपने स्वच्छता के लिए, जो गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2019 को 150वीं जयंती मनाई गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में जारी किया गया स्वच्छ भारत मिशन। उस स्वच्छ भारत मिशन में भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे, यानी कि खुले में शौचालय मुक्त कर देंगे। उसी क्रम में भारत सरकार ने यह प्राप्त किया और अपनी तरफ से घोषित किया इसी 2 अक्टूबर को कि गांव ही ग्रामीण भारत जो है, यानी कि रूरल इंडिया, पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। और मैंने 2 दिन पहले की ही न्यूज में आप लोगों को कवर किया है कि रूरल इंडिया के साथ साथ अब अर्बन इंडिया भी ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। 35 स्टेट एंड यूटीज ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी हैं, जिसमें 29+7 को काउंट किया गया था। 29+7 में 29 यानी कि जम्मू कश्मीर को एज ए स्टेट काउंट किया गया था, और 7 की जब बात की जाती है तो उस 7 के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक यूटी के रूप में काउंट नहीं किए गए थे। तो 29+7 यानी कि 36 जब स्टेट और यूटी की बात करते हैं तो उनमें से बंगाल को काउंट नहीं किया गया था और केवल 35 स्टेट और यूटी को काउंट किया गया था। ऐसी स्थिति में ओपन डेफिकेशन फ्री होने की बात भी आप लोगों ने हाल ही में सुनी। हाल ही में आप लोगों ने एक खबर और मुझसे आज यानी कि कल वाली न्यूज में ही सुनी है, और उस कल वाली न्यूज में मैंने आप लोगों को बताया था साथियों कि भारत सरकार द्वारा सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन से एक कमेटी की स्थापना की गई है, स्थायी समिति की स्थापना की गई है, जो कि प्रणव राय सेन की अध्यक्षता में कमेटी संगठित की गई है, जो इस बात की जानकारी की पुष्टि करेगी कि अब भारत पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। ये तमाम खबरें जो कि हमारे लिए सुर्खियां बनी थी, हम इन सुर्खियों को पढ़ते आए हैं, साल भर के लिए ये सुर्खियां महत्वपूर्ण हो गई हैं। साथियों, इसी के साथ साथियों एक बात और जो आप लोगों को यहां पता चले कि भारत सरकार ने हाल ही में जल शक्ति अभियान जो है वो लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। जल शक्ति अभियान भी भारत सरकार द्वारा ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए लॉन्च किया गया था, और यह कैंपेन जो है ये रूरल और अर्बन एरियाज को कवर करता है। साथियों, इस जल शक्ति अभियान के अंदर एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, टारगेटेड कम्युनिकेशन कैंपेन, वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस प्रकार की तमाम चीजें इसके अंदर कवर की गई थी। तो आप लोगों को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल शक्ति अभियान जो चलाया गया, इसके बारे में भी इस साल जानने को मिला था। साथियों, इसके अतिरिक्त भारत ने हाल ही के दिनों में जो रिपोर्ट और सूचकांक नोटिस किए हैं, तो जो हाल ही के दिनों में यानी कि विगत 5 महीने भर के अंदर, या जो खास जो खबरें जो मैंने पढ़ाई हैं आपको, नवंबर और दिसंबर के अंदर जो रैंकिंग आई, मैं आपको वो बता दूं तो भारत ने हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखी है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर भारत ने क्या पाया, तो देखिए साथियों, भारत ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर साथियों जो रैंकिंग थी उसके अंदर सुधार पाया, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर भारत 130वें स्थान से 129वें स्थान तक पहुंच गया। साथियों, टॉप 5 कंट्रीज भी मैंने आपको बताई थी, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और हांगकॉन्ग टॉप 5 कंट्री रही। वहीं पर अगर हम बात करें भारत और भारत के पड़ोसियों की, तो भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका 71 पर रहा, भूटान 134 पर रहा। तो साथियों, मैंने आपको सिखाया भी था कि ह्यूमन डेवलप
डेवलपमेंट रैंकिंग किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी LIE यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, E फॉर एजुकेशन, इनकम पर कैपिटा, इन तीन चीजों के माध्यम से हम ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग निकालते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको यह रैंकिंग जो कि मैंने हाल ही में पढ़ाई है यह याद आ गई होगी। इसी प्रकार से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, जिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102वें स्थान पर आया, 117 देशों में भारत का स्थान 102वां आया। और यह इतनी दयनीय स्थिति है कि हमारे पड़ोसी हमसे फार बेटर हैं। पाकिस्तान 94वें स्थान पर है, बांग्लादेश 88, नेपाल 73 और श्रीलंका और कम स्थान पर है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक ही है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है जो कि 117वें स्थान पर है। साथियों इंडिया की रैंक जो है वो 102वीं मिली है 117 के अंदर से, यह बड़ी ही चिंताजनक बात है। 2019-2018 में हमारी 103, अब 102 और 2000 में 83वीं रैंकिंग थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में रैंकिंग का गिरना एक अपने आप में चिंता की बात है। साथियों नेपाल भारत का अंदर मतलब हमारे पड़ोसी हमसे अच्छा कर गए और इसकी स्थिति में हमारे साथ जो बेकार बात निकल के आती है कि हम जिस तरह से तरक्की करते जा रहे हैं हमारे बीच में गैप बढ़ते जा रहे हैं, असमानता बढ़ती जा रही है। साथियों इसी क्रम में भारत ने एक सुधार पाया और वो क्या था, एज ऑफ डूइंग बिजनेस का सुधार। साथियों इंडिया 63वें स्थान पर वर्ल्ड बैंक की एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आया। 63वें स्थान पर भारत का आना, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत में व्यापार करने की सुगमता में भारत की यह रैंकिंग भारत के लिए एक अच्छा प्रयास मानी जा रही है, एक अच्छा सिग्नेचर मानी जा रही है। साथियों और वैश्विक घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का इंपीचमेंट काफी अधिक सुर्खियों में रहा है। साथियों ट्रंप का इंपीचमेंट फॉर अब्यूज ऑफ पावर एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग कांग्रेस, इसके अंदर आप लोगों को यह बात पता होनी ही चाहिए और वो क्या है कि मैंने आपको पूरा पढ़ाया था कि कैसे इंपीचमेंट हुआ और इंपीचमेंट के अंदर मैंने आपको दो हाउसेस बताए थे, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। और आपको पता है कि लोअर हाउस के अंदर यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर इनके यहां पर जो इंपीचमेंट का जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया, अब वो सीनेट में जनवरी में देखा जाएगा। तो देखते हैं कि क्या यह संभव होगा कि भविष्य में आने वाले टाइम पर ट्रंप का इंपीचमेंट हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा। तो इनके में आप लोगों ने जाना था कि क्या हुआ था कि ट्रंप का इंपीच करना पड़ा, तो उनके बारे में एलिगेशन लगा था कि उन्होंने कांग्रेस को कार्य करने से रोका और इसके अतिरिक्त तो उन्होंने विदेशी सहायता लेकर के लोगों के ऊपर मतलब फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे। इसी के साथ भारत ने यह भी देखा कि अपने पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका में गोटाभाया राजपक्षे आज इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, यह भारत के द्वारा देखा गया। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यह अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जो मैं देता जा रहा हूं हालांकि यह सफिशियंट तो नहीं है लेकिन कम समय में अधिकतम करने का एक प्रयास संभव हो सकती हैं। मैं केवल आपको बता रहा हूं कि साल 2019 हमें कौन कौन सी यादें जो मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई गई वो देता हुआ जा रहा है। साथियों स्पोर्ट्स और गेम में अगर हम चलते हैं तो स्पोर्ट्स और गेम में भारत ने देखा कौन कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड हम लोगों को मिले। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 कौन कौन से मिले तो आप लोगों के सामने हैं। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है उसमें बजरंग पूनिया जो हैं उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त दीपा मलिक को जो कि एक पैरा एथलीट हैं उन्हें ये सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों इसके अतिरिक्त अगर मैं अर्जुन अवार्ड की बात करूँ तो अर्जुन अवार्ड में आपके सामने अर्जुन अवार्ड विजेताओं के नाम हैं, उनमें है हरमीत राजू देसाई, पूजा दांडे, फौजा मिर्जा, गुरप्रीत सिंह संधू, पूनम यादव, स्वप्ना बारमूर, बंसुंदर सिंह गुजर, भामिदी पति साई परनीति और सिमरन सिंह शेरगिल। तो ये तमाम खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नापा गया था, अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। साथियों जब द्रोणाचार्य अवार्ड की बात की जाती है तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं, गाइड्स को दिए जाते हैं, तो उसके क्रम में द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में श्री विमल कुमार को बैडमिंटन में, श्री संदीप गुप्ता को टेबल टेनिस में, श्री मोहिंदर सिंह ढिल्लन को एथलेटिक्स में दिया गया। वहीं लाइफ टाइम कैटेगरी में मर्जुबान पटेल को हॉकी में, रामवीर सिंह कुंकर को कबड्डी में, संजय भारद्वाज को क्रिकेट में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। साथियों इसी क्रम में ध्यानचंद अवार्ड की अगर हम बात करें तो ध्यानचंद अवार्ड भी इसी प्रकार से खेल में अपनी तरफ से अपनी प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, जिसमें कि मैनुअल फ्रेडरिक को हॉकी में, श्री आरूप बसक को टेबल टेनिस में, मनोज कुमार को रेसलिंग में और नितेन किरेतान को टेनिस में और सी लाल रमेश लाल रेशमंगंगा को आर्चरी के अंदर यह पुरस्कार दिए गए थे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत कम समय में बहुत
साथ लगभग और कम से कम नहीं तो 50 से अधिक मैंने इंफॉर्मेशन आप तक इतने कम समय में पारित की है एकदम गोली की स्पीड में, क्योंकि साथियों आप सभी का ये न्यू ईयर आपको बहुत सारी बातें आने के लिए सिखाएगा। मैंने प्रयास किया कि जो न्यूज मेरे माध्यम से आप तक पहुंची थी अधिकांश उन खबरों को मैं आपके सामने एज ए फ्लैशबैक लेकर के आऊं। साथियों 31 और 30 इन तीन दिनों के बीच का जो भी करंट होगा इस करंट को डिटेल में हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप अपना समय मस्त एंजॉय के साथ बिताइए। 1 तारीख के दिन आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं यह मैं आपको बता देता हूं। साथियों 1 तारीख को मैं तो आना चाहता हूं लेकिन मेरी पूरी टीम छुट्टी पर है क्योंकि 31 सबका कुछ ना कुछ प्लान है, मैंने भी कुछ प्लानिंग्स की हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए अपने गाँव जाऊँगा और जहाँ हमारे देवता देवी हैं जिनकी मान्यताएँ हम मानते हैं उन तक पहुँचने के लिए आशीर्वाद लूँगा ताकि मेरा नया साल भी आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा से रोचक तरीके से निकले। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी करें ऐसा कुछ अच्छा प्लान करें जिसमें कि आपके पास्ट के यानी कि जो 2019 बीत गया है इसके अनुभव जुड़े हों और उन अनुभवों से आप 2020 की दशा और दिशा निर्धारित करें। मेरा मानना है कि आप अवश्य ही अपने लिए कुछ अच्छा जरूर प्लान कर लेंगे। मेरा साथ अपना यह अंकित परिवार ऐसे ही बना रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वर्ष 2020 की आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरी अगली क्लास 2 जनवरी मॉर्निंग में होगी। कल 1 जनवरी के दिन मैं आप लोगों के लिए एक प्रमोशनल इवेंट शूट करके जा रहा हूं जिसमें मैंने रेलवे वाले साथियों के लिए खबरें जारी की हैं, उनको बताया है कि वो किस प्रकार से मेरे अनअकैडमी प्लस पर आ रहे कोर्सेज को ज्वाइन कर पाएंगे। तो उन साथियों के लिए जो रेलवे NTPC और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरा मॉर्निंग वाला सेशन कल सुबह 7 बजे जो लाइव होगा उसे देख लें। और जो मेरे साथी अभी तक SSC CGL का मेरे साथ कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें और आप लोगों की तैयारी में मेरा साथ जितना संभव हो वो बना रहे। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, आपका नया साल मंगलमय हो, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करिए कि कोई भी महिला बालिका बच्ची जो भी आपके साथ खड़ी हो, लड़की कोई भी आपके साथ खड़ी हो, उन्हें आपके साथ रहने पर सुरक्षा का भाव महसूस हो। हमारे भारत की सभ्यता इसी में है, बड़ों का सम्मान करते रहिए और खुश रहिए। साथियों मेरे प्यारे साथी जितने भी मुझे इस समय न्यू ईयर विशेष दे रहे हैं, अशोक जी, सुमित जी, राहुल जी, दिनेश जी, जयमन जी, नीति जी, आचार्य जी, हिमाद्री जी, सभी साथियों को मेरे प्यारे साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों, हैप्पी न्यू ईयर।